स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC रूल के बारे में। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्रेन में लोअर बर्थ लेना चाहते हैं तो जान लीजिए IRCTC का ये नियम। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ट्रेन में लोअर बर्थ कैसे ले सकते हो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ एंड तक बने रहे। IRCTC सीनियर सिटीज़न। ट्रेन में सीनियर सिटीज़न को सफ़र करने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़ता है और आजकल ट्रेन में टिकट मिलना भी आसान नहीं है। ऐसे में अगर रेलवे वरिष्ठ नागरिक को अपर बर्थ अलर्ट कर देता है तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है जिसमें 70 साल की बुजुर्ग महिला जो गांठिया रोग से पीड़ित है उन्हें रेलवे ने अपर बर्थ का टिकट दे दिया। अब आप सोच सकते हो कि अगर किसी गांठिया रोग से पीड़ित महिला को ट्रेन में सबसे ऊपर की बर्थ यानी अपर बर्थ अलर्ट कर दी जाए तो उसका क्या हाल होगा। IRCTC ने इस बारे में क्या कहा नियम बताया, आइए जानते हैं। IRCTC का नियम जान लीजिए। एक ट्विटर यूजर ने IRCTC को टैग कर ट्विटर पर पूछा, मेरे परिवार को दो बुजुर्ग महिला माँ और दादी को अपर बर्थ अलर्ट हुआ है, टिकट बनाने के लिए आप किस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप 70-80 साल की उम्र में अपर बर्थ पर चढ़ने में सक्षम होंगे। यूजर ने आगे पूछा कि एक बूढ़ी औरत कैसे अपनी सीट पर चढ़ पाएगी, एक गांठिया रोगी कैसे अपर बर्थ पर चढ़ने में सक्षम होगे। यूजर ने आगे पूछा कि एक बूढ़ी औरत कैसे अपनी सीट पर चढ़ पाएगी, एक गांठिया रोगी कैसे अपर बर्थ पर चढ़ने में सक्षम होगी, कृपया मुझे जवाब दे, क्या ये जनता के प्रति आपकी सेवा है। इसके बाद IRCTC की तरफ से रेलवे सेवा नाम से ट्विटर हैंडल से रेलवे टिकट बुकिंग का पूरा नियम बताया गया। भारतीय रेलवे की कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में सीनियर सिटीजन और 45 साल से ज़्यादा उम्र की महिला यात्रियों को ऑटोमेटिक लोअर बर्थ अलर्ट किया जाता है, भले ही अपने कोई विकल्प सिलेक्ट ना किया हो। आगे रेलवे की ओर से बताया गया कि अगर सीनियर सिटीजन के साथ कोई और भी यात्रा कर रहा है तो वरिष्ठ नागरिक को कैटेगरी में नहीं आता है तो रेलवे इन मामलों पर लोअर बर्थ देना का विचार नहीं करता। भारतीय रेलवे के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए बुकिंग में अलग से कोटा निर्धारित होता है। इसके लिए स्लीपर क्लास और एसी क्लास दोनों में कुछ निचली बर्थ आरक्षित की जाती है। ऐसे स्लीपर क्लास में हर कोच में 6 लोअर बर्थ और एसी टू टायर क्लास में हर कोच में 3 लोअर बर्थ का कोटा सीनियर सिटीजन के लिए निर्धारित किया गया है। बुकिंग करते समय लोअर बर्थ का करें सिलेक्ट। दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, प्लीज़ इसको एंड ध्यान से सुनिए। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं लेकिन लोअर बर्थ का टिकट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप IRCTC को वेबसाइट पर बुकिंग करते समय लोअर बर्थ फ्रीडेंस का चुनाव कर ले। इसके बाद रेलवे अपने नियमों के मुताबिक आपको लोअर सीट अलर्ट कर सकता है। ऐसे में आप यात्रा के दौरान खिड़की का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।